अगर आप एक लड़की हैं और आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है तो ये छोटी सी कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। तलाक होने के बाद एक लड़की ने दिल छू लेने वाली बात कही है। मेरे पति से थोड़ी कहा सुनी होने के बाद वो मुझे मायके लेने आए थे, लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके के लोगों की बातों में आकर मैं साथ नहीं गई, उल्टा उनको दहेज के केस में धोखे से फंसा दिया। तब मुझे बड़ा मजा आया कि ये लोग अब कोर्ट के चक्कर मारते फिरेंगे। केस झूठे थे तो मेरे पति बरी हो गए, उनकी दोबारा शादी भी हो गई, पर अब 6 साल हो चुके हैं और मैं घर पर ही बैठी हूँ। जो 3-4 लड़के पसंद करते थे इसलिए मैं इतनी इतराती थी, वो भी टाइम पास करके चले गए। आज सोचती हूँ मेरे पति लेने आए थे तभी उनके साथ चली जाती तो आज 1-2 बच्चे और मेरी सहेलियों की तरह मैं भी खुश होती पति संग। दोस्तों, आखिर में यही कहूँगा, छोटी कहासुनी सब घरों में होती है, किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें। साथ कोई नहीं देगा, सलाह सब देंगे, आखिर में आपकी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। अगर कहा सुनी हो जाती है तो रिश्ते को खत्म करने से अच्छा है 2-4 दिन के लिए रूठ जाएं, पर किसी के बहकावे में कभी ना आएं। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिला तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और ऐसी ही दमदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।